Hello everyone, today we'll be discuss about the chapters of 2, decimal and fraction. Question number 6, Salil wants to put a pictures in a frame. Salil jo hai, ek pictures ko frame mein lagana chahta hai. The pictures is 7 3/5 cm wide. To fit in the frame, the pictures cannot be more than 7 3/10 cm wide. एक पिक्चर्स को फ्रेम में लगाने के लिए पिक्चर्स का जो साइज है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. हाउ मच शुड बी पिक्चर्स बी ट्रिम्ड, अब उसे कितनी पिक्चर्स कट करनी पड़ेगी. तो बच्चों इसे हम एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं, ठीक है. जैसे एग्जांपल करके मैं आपको एक्सप्लेन करूं बच्चों कि सपोज सबसे पहले आप लोगों को एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, देखिए सबसे पहले क्या दिया था, किसका साइज है, पिक्चर्स का. सपोज यहाँ पे पिक्चर्स आपको दिए और उसके बाद आपको एक क्या दिया है, फ्रेम दिया है, ठीक है. ये आपको पिक्चर्स दिए है, ये आपको फ्रेम दिया है, ओके क्लियर. सो जो पिक्चर्स का साइज है आपका वो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है एंड फ्रेम का जो साइज है वो 8 सेंटीमीटर है. अब आप लोग को कोई पता है बच्चों कि जो फ्रेम होगा, ठीक है, उसी साइज की हमें पिक्चर्स भी लेनी पड़ेगी, क्लियर. देन ये आपका 8 सेंटीमीटर, ये आपका 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स फ्रेम के कंपैरिजन में पिक्चर्स की साइज लार्ज है. तो इससे हमें ट्रिम्ड करना पड़ेगा. ट्रिम मीन्स होता है बच्चों काटना. तो हम इससे इतना इतना कट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो पिक्चर्स का साइज है, ठीक है, ये फ्रेम के साइज के इक्वल हमारा हो जाएगा. लेकिन हमें इतना भी बताना होगा कि पिक्चर्स कितनी हमें कट करनी पड़ेगी तब जाके फ्रेम में आएगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर में से हमें 8 सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस. तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि 2 सेंटीमीटर जितना हमें क्या करना पड़ेगा, पिक्चर्स को कट करना पड़ेगा. क्लियर हो गया बच्चों. चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले जो आप लोगों को दिया है उसे यहाँ पे राइट करेंगे, ओके. सबसे पहले हमें पिक्चर्स के साइज दिए तो लिखेंगे पिक्चर्स ब्रेथ, ठीक है, पिक्चर्स की ब्रेथ लिखेंगे. कितने दिए बच्चों आप लोगों को, देखो पिक्चर्स की ब्रेथ कितनी दी है, 7 3/5 cm, 7 3/5 cm. अब यहाँ पे देखिए ये आपको मिक्स नंबर में दिया गया है बच्चों, इसमें दिया है मिक्स नंबर में. तो आप इसको चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है. कैसे करेंगे, 5 7 35 35 + 3 38 / 5 सेंटीमीटर्स, दैट इज क्लियर. नाउ सेकेंड आप लोगों को बच्चों किसका दिया हुआ है, फ्रेम का. तो यहाँ पे लिखेंगे साइज या फिर फ्रेम ब्रेथ लिख देंगे डायरेक्टली, फ्रेम ब्रेथ. फ्रेम की जो साइज है वो कितनी दी है आपको, 7 3/10 cm. नाउ वी हैव कन्वर्ट इन टू प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट मीन्स 10 7 70 70 + 3 वी गेट 73/10 cm. सो बोथ ऑफ साइज आर मैंशन इन दिस क्वेश्चन, पिक्चर्स ब्रेथ 38/5 cm दैन फ्रेम ब्रेथ 73/10. अब हमें क्या करना है बच्चों, इसे बताना है कि इसे हमें कितना ट्रिम करना पड़ेगा, कितना कट करना पड़ेगा तब जाके ये फ्रेम में आएगा. तो चलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले तो आप देखोगे, ठीक है, लिखेंगे हम लोग शुड बी, क्या लिखेंगे बच्चों, शुड बी ट्रिम्ड, ट्रिम्ड पिक्चर्स, कितना पिक्चर्स को हमें कट करना पड़ेगा. तो देखिए पहले हम किसकी लिखेंगे, पिक्चर्स के साइज, तो 38/5 माइनस, क्यों माइनस करेंगे बच्चों, कि टोटल जो आपकी साइज होगी उस साइज में से हम दूसरी साइज को माइनस करेंगे, सेकंड साइज को, 73/10. यहाँ तक तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा आपको बच्चों. उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे आपके जो डिनोमीटर्स हैं दैट मीन्स सेम नहीं है. तो हमें सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों को हमें एलसीएम लेना पड़ेगा या डिनोमीटर सेम करने पड़ेंगे. तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले
देखिए 5 और 10 का हम डिनोमीटर करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ कर लेते हैं 5 और 10 का डिनोमीटर्स, ठीक है। तो 5 के टेबल में 5 1 5 और 5 के टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में, एंड 2 के टेबल में 2 कितने टाइम में आता है, 1 1। दैट मीन्स हम देखेंगे बच्चों कि आपका जो एलसीएम वो कितना आ गया है, 10। कितना आया बच्चों, 10, ठीक है। तो हमें इससे क्या करना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा। तो 5 को 10 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ऊपर भी हमें किससे करना पड़ेगा बच्चों, 2 से, माइनस का माइनस, 73/10। अब 10 को 10 बनाने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ऊपर भी किससे कर देंगे, हम 1 से कर देंगे। सो 38 × 2, तो देखिए 38 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा बच्चों, देखो 2 8 जा 16, 6 1 कैरी, 2 3 जा 6, 6 and 1 7, माइनस यहाँ पर भी हम लिख देंगे बच्चों 10, यहाँ पर 73/10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए, एकदम लॉन्ग एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आवे। जब डिनोमीटर सेम होते हैं तब डिनोमीटर्स को हम कितने टाइम्स लिखते हैं बच्चों, 1 टाइम्स, क्लियर। एंड यहाँ पे 76 माइनस क्या हो जाएगा आपका, 73। अब देखिए 76 में से, ठीक है, 76 में से आपका 73 जाएगा तो आपका कितना रिमेनिंग रह जाएगा, 3/10 सेंटीमीटर्स। तो हम कह सकते हैं कि इतनी पिक्चर्स हमें क्या करने पड़ेगी, ट्रिम करनी पड़ेगी, तब जाके फ्रेम में हमारी आएगी, ठीक है। क्या आंसर आएगा बेटा, 3/10 सेंटीमीटर, तब जाके आप इस पिक्चर्स को फ्रेम में लगा पाओगे। अब यहां पे हमें लिखना है तो लिख सकते हैं, थस हाउ, देखे ना, हाउ मच शुड द पिक्चर्स बी ट्रिम, थस 3/10 सेंटीमीटर्स पिक्चर्स बी ट्रिम्ड, ठीक है। कितनी हमें पिक्चर्स ट्रिम करनी पड़ेगी बच्चों, तो थस 3/10 सेंटीमीटर पिक्चर्स भी ट्रिम। अब यहाँ पे देखिए, आप बोलो सर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, बिकॉज ये यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है। मैंने आपको समझाया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसलिए हम इसको एज इट इज जैसे दिया है वैसे हम लोग इसको राइट कर देंगे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कम्प्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 आपका दिया हुआ है, रितु 8 3/5 पार्ट ऑफ एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज इटेन बाय हर ब्रदर सोमू। देखिए यहाँ पे जो रितु दी गई है, रितु 3/5 पार्ट जो है एप्पल का खा रही है, इट कर रही है, एंड देन जो बाकी का पार्ट है वो उसका ब्रदर्स खा रहा है। एंड हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट। अब हमें ये बताना है सबसे पहले क्वेश्चन में कि सोमू ने कितना खाया, फिर लिखा है हु एट द लागर से, और सबसे ज्यादा किसने खाया, और खाया तो कितना खाया वो हमें इसमें क्या करना है बच्चों, बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर देखिए रितु का लिखेंगे कि रितु, ठीक है, रितु 8 पार्ट ऑफ एप्पल पार्ट ऑफ एन एप्पल, रितु ने जितना खाया पहले हम उसको बताएंगे बच्चों, कितना पार्ट उसने खाया, 3/5, ठीक है, रितु 8 पार्ट ऑफ एप्पल 3/5। अब यहां देखिए उसके ब्रदर्स ने कितना खाया वो हमें बताना है, तो देखिए लिखेंगे सोमू 8 पार्ट ऑफ एन एप्पल। चलिए सबसे पहले अभी हमें ये नहीं पता है कि कितना एप्पल्स था, ठीक है, ये बता दिया कि 3/5 पार्ट जो है वो रितु ने खा लिया है। देखिए बच्चों कभी भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैं कहूं कि इतना पार्ट खा लिया है तो हम मानेंगे कि हमारे पास कितने एप्पल्स हैं, 1, कितने एप्पल हैं बच्चों, 1, जिसमें से रितु ने कितना पार्ट खाया है, 3/5,
और जो बाकी का बचा होगा वो कौन खाएगा, उसका भाई सोमो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वन में से हम कितना माइनस करेंगे, 3/5। ठीक है, आप चाहो तो एलसीएम डिनोमीटर सेम कर सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो। देखिए 5 पंचा या फिर जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगा दीजिए, 3/5। अब यहां देखिए 5 पंचा 5, 1 3 जा 3, एंड 1 को 5 से करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो देखिए 5 में से 3 गया, ठीक है, 5 में से 3 गया तो रिमेनिंग पार्ट आपका कितना आ गया, 2/5। तो हम कह सकते हैं कि सोमू ने 2/5 पार्ट्स खाया है। कितना पार्ट्स खाया है, 2/5 पार्ट सोमू ने खाया है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हु हैड द लार्जर शेयर, अब सबसे ज्यादा किसने खाया है वो हमें इसमें बताना है। तो देखिए हु हैड द, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे द लार्जर शेयर, द लार्जर शेयर। अब आप देखोगे बच्चों कि 3/5 किसका था, रितु का था, और 2/5 किसका है, सोमू का। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3/5 और यहाँ पे हम राइट करेंगे 2/5, बिकॉज डिनोमीटर तो सेम ही है दोनों के। तो खाया किसने, रितु ने, तो रितु की तरफ हम क्या कर देंगे आपका माउथ ओपन कर देंगे। तो हम इससे हो जाएगा द लार्जर शेयर 3/5 ग्रेटर देन 2/5, जिसे हम बता सकते हैं कि रितु ने ज्यादा खाया है। अब यहाँ हमें बता रहे हैं कि बाय हाउ मच, कितना ज्यादा खाना है, ठीक है, तो वो भी हम बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखना है, हाउ मच 8 एप्पल, किसने ज्यादा खाया है, तो हम क्या करेंगे और कितना ज्यादा खाया है वो हमें बताना है इसने। तो देखिए 3/5 में से हम 2/5 क्या कर देंगे, माइनस। तो देखिए डिनोमीटर तो सेम ही है, 1 टाइम लिख दीजिए, 3 में से 2 गया तो कितना आ गया आपका, 1/5 पार्ट। तो हम कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा खाया है, 1/5। देखिए 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, दोनों को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद हमें सोमू का निकालना है। सोमू का निकाला फर्स्ट स्टेप, सेकंड में हमें पूछा था, देखिए फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है, हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट, सोमू ने कितना खाया वो बता दिया। उसके बाद हु हैड द लार्जर शेयर, किसने कौन ज़्यादा शेयर किया, तो ऑब्वियसली कौन किया है, रितु, तो 3/5 ग्रेटर देन आपका 2/5 हो गया। एंड लास्ट आपको पूछा कि बाय हाउ मच, उसने कितना ज़्यादा खाया है, तो हाउ मच ईट एप्पल, ठीक है, तो नाम इसका लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लिखा 1/5 पार्ट, ठीक है, किसने खाया है वो आपको पता चल गया है, तो रितु, तो यहाँ पे लिखेंगे थस रितु 8/1/5 पार्ट मोर देन सोमू से उसने 1/5 पार्ट ज्यादा क्या करा है, खा लिया है। क्वेश्चन 8 आपको दिया हुआ है, मनोज फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर्स इन 7/12 आवर्स। मनोज जो है एक पिक्चर्स को कलरिंग कर रहा है 7/12 आवर्स में, एंड वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर्स इन 3/4 आवर्स, और उसी प्रकार से जो वैभव है वही काम 3/4 आवर्स में कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया हु वर्क लॉन्गर, कौन जो है जो ज्यादा वर्क कर रहा है, एंड सेकेंड में पूछा है वॉट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, और किसका जो फ्रैक्शन है वो अधिक है या ज्यादा है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे मनोज, ठीक है, मनोज फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर्स कलरिंग कर रहा है वो 7/12 आवर्स में, ठीक है, एंड देन सेकंड सेम उसी तरीके से क
कौन है, वैभव लिखेंगे, वैभव फिनिश कलरिंग ए पिक्चर्स, कितना दिया है उसका 3/4 आवर्स। अब यहां देखिए इसका जो डिनोमीटर से वो 12 है और इसका जो डिनोमीटर से वो 4 है, डिनोमीटर्स डिफरेंस है इसके वजह से हम इसको भी बता पाएंगे नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि डिनोमीटर्स दिया है पहले का 7/12 और सेकंड में दिया है 3/4। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो डिनोमीटर है इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाओगे आप, जैसे कि यहाँ पे कितना दिया है 12 और यहाँ पे दिया है 4, तो देखिए 12 और 4 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 के टेबल से 6 टाइम्स में, और 2 के टेबल 4 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल से 6 आता है 3 टाइम्स में, और 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स में, 3 के टेबल से करेंगे इसको कट हो जाए। तो देखो ये हमारा एलसीएम बन गया, 2 2 4 4 3 12, तो 12 आपका एलसीएम आ गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चलिए ये तो आपका दिया ही है ऑलरेडी, ठीक है, कितना दिया है 7/12, 3/4 जो दिया है उसे हमें चेंज करना है। तो देखिए लिखेंगे वैभव, वैभव अब यहाँ पे देखिए कितना दिया है उसका 3/4, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर भी किसे करेंगे 3 से, तो इसका क्या हो जाएगा 9/12 आवर्स, ठीक है। अब दोनों का देखिए डिनोमीटर्स क्या हो गया, हमारा सेम हो गया, तो हम बता सकते हैं हु वर्क लॉन्गर, किसने वर्क ज्यादा किया। देखिए ये 7/12 है, ये 9/12 है, तो 9/12 वाला मीन्स वैभव का वर्क कैसा है, थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। चलिए तो हम इसको पहले मेंशन कर देंगे पहले, ठीक है ना, हु वर्क लॉन्गर, तो लिखेंगे हु की जगह हम लोग किसका नाम आएगा, वैभव, पहले इसको हम शो कर देते हैं 9/12, उसके बाद लिख देंगे 7/12। अब यहाँ वर्क किसका ज्यादा है, तो वैभव का, तो वैभव की तरह साइन कर दिया, या फिर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। सबसे पहले हम लिखेंगे 7/12 एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे 9/12। वर्क किसका ज्यादा है, तो उसकी तरफ हम क्या कर देने का, फेस ओपन कर देने का, माउथ ओपन कर देने का ना, तो वही आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वैभव वर्क, वैभव वर्क लॉन्गर। चलिए सेकंड में पूछ रहा है कि व्हाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, अब इसमें से कितना फ्रैक्शन जो है वो लॉन्गर है, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे इसमें, ठीक है, हमें क्या बताना होगा कि इसमें से टोटल में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितना फ्रैक्शन इसका ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे क्वेश्चन में लिखा है व्हाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, तो लिखेंगे फ्रैक्शन वाज, फ्रैक्शन फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। तो देखिए टोटल आपका है 9/12, जिसमें से हम माइनस करेंगे 7/12 को, ठीक है। तो देखिए इसके भी डिनोमीटर सेम है, यानी 1 टाइम लिख देंगे। अब 9-7, तो देखिए 9 में से 7 गया आपका कितना बचा, 2/12। अब देखिए 2 के टेबल से 2 बन जाए 2 और 2 के टेबल में 12 आपका था 6 टाइम्स में, तो हम बता सकते हैं 1/6 आवर जो है वो ज्यादा कर रहा है, कौन कर रहा है, तो वैभव कर रहा है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है।